बेहद खूबसूरत लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट जो सरप्राइजिंगली बड़ा ही अंडररेटेड फ्लावरिंग प्लांट है। क्या आपको मालूम है इसका नाम? ये है मुसेंदा। बहुत सारे कलर्स में होता है। मेरे पास इसकी दो वेराइटी है, ये पीच कलर वाली और रेड कलर के फ्लावर्स की। ये फ्लावर्स एक बार खिलते हैं तो महीनों तक इसी तरीके से प्लांट पे बने रहते हैं। आइए बात करते हैं इस प्लांट के बारे में डिटेल में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। अगर हम बात करें इसके फ्लावरिंग सीज़न की, तो इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है स्प्रिंग सीज़न से, यानी मार्च से इसमें फ्लावर्स खिलना शुरू हो जाते हैं और लेट मॉनसून तक फ्लावर्स इसमें बराबर आते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पीक फ्लावरिंग सीज़न इसका क्या है, तो जब ये कड़कती वाली गर्मी पड़ती है ना, उस टाइम इसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और मॉनसून में भी इसमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं। ख़ास बात इस प्लांट की ये है कि इसमें एक बार जब फ्लावर खिलता है तो करीब 1-1.5 महीने तक बना रहता है, सूखने के पहले, झड़ने के पहले। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें और भी कलर्स में फ्लावर्स आते हैं, यानी ये पीच कलर के फ्लावर्स, रेड कलर के और वाइट कलर में भी आपने देखा होगा, येलो कलर में भी इसमें आपने फ्लावर्स देखे होंगे। पार्क वगैरह में आपने इसके फ्लावर्स देखे होंगे भर भर के खिले हुए। प्लांट में पत्तियाँ कम दिखती हैं और फ्लावर्स ज़्यादा दिखते हैं, इतने फ्लावर्स आते हैं इसके सीज़न में। अच्छा, फ्लावरिंग के लिए इसको कम से कम 3-4 घंटे की डायरेक्ट धूप मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इसे आप शेड में ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे पत्तियां तो ग्रो हो रही हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं ग्रो होंगे। तो सनलाइट एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है इस प्लांट में फ्लावरिंग के लिए। इसके फ्लावर्स वेलवेटी टेक्सचर वाले होते हैं और बहुत ही डेलिकेट लगते हैं टच करने में, और अपने वाइब्रेंट कलर की वजह से गार्डन में ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इस प्लांट को आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और ज़मीन में भी। अगर आप ज़मीन में ग्रो करेंगे तो ये करीब 12 फीट तक ग्रो होता है, और जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है तो हैवी फीडर बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर आप इसको फर्टिलाइज़ नहीं भी करेंगे तो भी अपने सीज़न में ये इसी तरीके से भर भर के फ्लावर देगा। लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना है फ्लावरिंग के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया ये प्लांट लेट मानसून तक फ्लावरिंग देता रहता है, लेकिन विंटर्स में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसकी पत्तियाँ आपको डल दिखेंगी, और विंटर्स में मीली बग का अटैक बहुत कॉमन है, उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेड रहता है। तो जैसे ही सर्दियाँ ओवर हों उसके बाद आपको इसकी प्रूनिंग करनी है, यानी कि अर्ली स्प्रिंग टाइम पे, फेबरी में या लेट जनवरी में आप इसकी प्रूनिंग कर दें। उसके बाद बहुत सारी नई ब्रांचेस ग्रो होंगी और जैसे जैसे वेदर थोड़ा सा वार्म होता जाएगा आप देखेंगे इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बात करें अगर हम इसके वाटर रिक्वायरमेंट की, अगर आप इसको गमले में ग्रो कर रहे हैं तो खास ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा नम रहे। अगर आप इसकी अंडर वाटरिंग कर देंगे तो पत्तियां बिल्कुल ड्रूपी हो जाएंगी, और ज़्यादा अंडर वाटरिंग करने से क्या होगा, ऑन एंड ऑफ इसकी कई सारी ब्रांचेस सूखने लगेंगी। थोड़ा डेलिकेट है इस मामले में, तो वाटरिंग इसको रेगुलर करनी है। ज़मीन में लगा है तब तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, आप वीकली 3 दिन भी पानी डालेंगे तो, लेकिन अगर गमले में है तो डेली वाटरिंग मस्ट है। आते हैं इस पॉइंट पे कि इसको प्रोपोगेट कैसे किया जा सकता है। इसको स्टेम कटिंग से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने इसकी रेड वेराइटी और पीच वेराइटी दोनों गमलों में ग्रो की है कटिंग से। कुछ खास नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी वुडी स्टेम है, जैसे गुड़हल की होती है उसी तरीके से। तो इसकी स्टेम को कम से कम 6-8 इंच की आप कटिंग लें, और ध्यान रखें कि उसमें नोड्स ज़रूर हों, जॉइंट्स ज़रूर हों, कम से कम 2-3 नोड हों, इतनी बड़ी कटिंग लें आप उसकी।
और आप नॉर्मल मिट्टी में ग्रो करें, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। मॉइस्चर ज़्यादा बना के रखना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो देखो आपने कितना आसान है इस पौधे को ग्रो करना। आज ही लेकर के आइए पौधा नर्सरी से या आसपास में, अगर आपको इसकी कटिंग दिखे तो कटिंग ग्रो करें। मॉनसून में बहुत तेज़ी से ग्रो होती है कोई भी कटिंग, है हम सभी को पता है, राइट। जैसे कि मैंने कहा, ये बड़ा ही अंडररेटेड फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर्स बंच में खिले हुए, और वो भी 1.5-2 महीने तक ऐसे ही बने रहते हैं फ्लावर्स प्लांट पे। तो आज के लिए इतना ही, अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और फिर मिलती हूँ मैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू।